2019 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें चार पुरस्कार थे वो पद्म विभूषण थे, 14 पुरस्कार थे वो पद्म भूषण थे, और जो रिमेनिंग 94 थे वो पद्म चुने थे। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी रिपब्लिक डे 2019 को जो 112 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन था उसका, ये स्टार्ट था। हमें चार पद्म भूषण के बारे में देख रहे हैं, तीजन भाई, अनिल मणि भाई, बलवंत मोरेश्वर और इस्माइल गुल अरे को, और बाकी 14 जो है 14 पद्म भूषण। सबसे पहले जो मिला है जॉन चैबर्स को व्यापार और उद्योग तकनीक में, दूसरा मिला है सुखदेव सिंह ढिंडसा, इनको सार्वजनिक जीवन के लिए मिला है, हुकुम नारायण देव सिंह यादव, ये सांसद है बिहार से, और इनको गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी दिया जाता है, इनको भी सार्वजनिक जीवन के लिए मिला है। उसके बाद एक करिया मुंडा को भी सार्वजनिक जीवन के रूप में मिला है। बी के शुमलू सिविल सेवा के रूप में मिला है। बशेंद्री पाल जो पर्वतारोही है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में मिला है। एस नामपी नारायण, इनको अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। प्रवीण गोवर्धन सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में मिला है। अगला है महाशय धर्मपाल, व्यापार और खाद्य प्रसंस्करण के रूप में मिला है। दर्शन लाल जैन, इनको मिला है समाज सेवा के रूप में। अगला है अशोक लक्ष्मण राव उपाड़े, इनको मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। बुद्धात्य मुखर्जी सितार वादा के क्षेत्र में दिया, संगीत के क्षेत्र में। कुलदीप नैयर मरणोपरांत, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2019 में पद्म भूषण प्रदान किया गया, वो कौन है? कुलदीप नैयर मरणोपरांत साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। और आखिरी है 14th मोहनलाल विश्वनाथन नायर, जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। तो ये हमारे 14 ऐसे व्यक्तित्व है जिनको 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए एशियाई पैरा गेम्स ओलंपिक जो हुए थे अभी जकार्ता इंडोनेशिया में 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2018 के बीच, हमको स्पोर्ट्स में सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप जो रशिया में हुआ था, फिर एशियन गेम्स जो पालेमबांग इंडोनेशिया में हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्टा ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, एशियन पैरा ओलंपिक जकार्ता में हुए थे, युवा ओलंपिक, इनके बारे में हमको देखना है। तो हम चलिए बात करते हैं जकार्ता इंडोनेशिया में जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2018 के बीच। ये जो एशियन पैरा ओलंपिक हुए थे, पैरा गेम्स हुए थे, ये थर्ड एडिशन था, तीसरा संस्करण था। इसका मतलब ये है इससे पहले 2 संस्करण और हो चुके हैं, तो तीसरा संस्करण जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में। अब पहला संस्करण 2010 में हुआ था, जिस प्रकार ओलंपिक 4 साल में होते हैं, उसी प्रकार ये गेम भी क्या होते हैं? 4 साल के अंतराल में होते हैं। पहला संस्करण जो था 2010 में वो हुआ था चीन में, दूसरा संस्करण जो हुआ 2014 में वो हुआ दक्षिण कोरिया में, और तीसरा संस्करण जो था वो कहाँ पर हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में। चौथा जो होगा 2022 में वो कहाँ पर होगा? फिर दोबारा चीन में होगा। उसके बाद इस एशियाई पैरा गेम्स में कितने देशों ने भाग लिया था? 43 देशों में भाग लिया था। इसे शुभंकर जो था वो था मोमो, और इसके ध्वजवाहक जो उद्घाटन में थे वो थे मरियप्पा थंगवेलु फर्स्ट रैंक। उसके बाद भारत ने कितने पदक जीते इस एशियन पैरा गेम्स में? 72, इसे 15 गए थे गोल्ड, 24 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज में, 33 और 24 57 और 15 72। टोटल पदक बोले तो 72 गोल्ड बोले तो 15, 24 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज। उसके बाद सर्वाधिक पदक भारत ने किस खेल में जीते? 36 पदक जीते पैरा एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स होती है उसमें जीते। उसके बाद भारत को कौन सा स्थान मिला इसमें? भारत को 9th स्थान मिला। पहले रैंक जिसकी लगी थी वो था चीन, 319 पदक जीते। ठीक है, और भारत के कितने खिलाड़ियों ने इस पैरा ओलंपिक्स में भाग लिया था? तो 190 खिलाड़ी ने भाग लिया, वो 13 खेलों में भाग लिया था। ये आपके हुए पूरे एशियन पैरा गेम्स जो भी होते थे 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच। ठीक है, उसके बाद युवा ओलंपिक गेम्स, इसके पहले हमने देखे थे पैरा ओलंपिक जो 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच हुए थे, और ये हुए 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2018। ये भी तीसरा संस्करण था और वो भी तीसरा संस्करण।
ठीक है, उसका तीसरा संस्करण जो था वो था कहाँ पर, जकार्ता इंडोनेशिया में। पहला जो था वो चीन में था, ठीक है, दूसरा कहाँ पर था वो दक्षिण कोरिया, तीसरा वापस कहाँ पर था। ये जो युवा ओलंपिक गेम्स थे 6 अक्टूबर 2018 से 18 अक्टूबर 2018, ये तीसरा संस्करण था जो कहाँ पर हुआ आयोजन स्थल, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। पहला संस्करण 2010 में सिंगापुर में हुआ था, लेकिन जो पैरा ओलंपिक तो सब चीन में हुआ था। दूसरा एडिशन 2014 में नामचिन चीन में हुआ था, लेकिन वहां पर दक्षिण कोरिया में हुआ था, और वहां पर 2022 में जो होगा वहां पर होगा चीन में। कितने देशों ने भाग लिया था, 206, लेकिन पैरा ओलंपिक में 43 देशों ने भाग लिया था। फर्स्ट रैंक यहाँ पर रूस की थी, वहां पर इसकी थी चीन की थी 319 पदक। सेकंड रैंक चीन की थी यहाँ पर। थर्ड रैंक जापान। भारत का स्थान कौन था, 13वां था, वहां पर कौन था, 9वां था, ठीक है। स्लोगन क्या था, फिल द फ्यूचर, ऑफिशियल मस्कट पांडा था, वहां पर क्या था, मऊ। ध्वज भाग गठन में मनु भाकर, वहां पर कौन था, मरियप्पन थंगवेलु। समापन पर वहां पर समापन पर जेरोमी लाने होगा। 300 भारत ने कितने पदक जीते, तो 13 थे, 13 में से 3 गोल्ड 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, 3, 9, 12 और 13। उसके बाद स्लोगन था फिल द फ्यूचर ऑपरेशन मास्टर पांडा, ध्वज वाहन उद्घाटन मनु भाकर, समापन समारोह जेरो में लाने। 3 जो स्वर्ण मिले हैं वो 3 स्वर्ण किसको मिले हैं, एक मिला मनु भाकर को, दूसरा मिले जेरो में लाने लूंगा, मतलब दोनों उद्घाटन समारोह का ध्वज वाहक और समापन समारोह का ध्वज, और एक मिला सौरभ चौधरी को, ठीक है। 3 स्वर्ण और एक जो कांस्य पदक मिला ब्रॉन्ज वो मिला है प्रवीण चित्रवेल, ठीक है। तो ये आपके हो गए युवा ओलंपिक पैरा ओलंपिक, ठीक है।